हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा एक टैगलाइन हो गया, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई पटना में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, हालत ख़राब है। सुबह सुबह हम लोग एक वीडियो बनाए और एक वीडियो बनाने के बाद हम लोग सोचे थे ना कि दो तीन वीडियो और शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे पटना का रेसिपी वगैरह रहता है, कुछ कुछ स्पेशल मीट उठ का दिखाएंगे। लेकिन इतना गर्मी है कि मोस्ट ऑफ द दुकान तो भाई हम जहाँ जहाँ गए वो बंद था। यही है वो स्टॉल जहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, न्यू 5 फास्ट लाइफ स्टार्टअप ऑफ स्टूडेंट्स मिल करके ये काम कर रहे हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे और कुछ प्रकार का इनका छोटा सा स्टॉल है, लेकिन भाई आपको वैरायटी ऑफ मेन्यू यहाँ मिल जाएगा। देखिए वेज रोल से शुरू होता है और तवा रोटी तक खत्म होता है। तवा पराठा भी मिल जाएगा आपको, लच्छा पराठा में लच्छा मिलेगा, लच्छा है, कढ़ाई चिकन है, सिंगल एक डबल मैंने रोल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखिए इनका बड़ा बड़ा तवा लगा हुआ है और इस तवे पे बन रहा है अपना चिकन, तवा चिकन। और यहाँ पे भाई अपना तवा है, ये पराठा के लिए ना भैया। ये आप लोग मैरिनेशन वगैरह जो होता है घर पर ही करके लाते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ गर्म करना है और थोड़ा सा मसाला के साथ उसको। अच्छा अच्छा, ये हम लोग रांची में भी मिलता है तवा चिकन। रांची खाएँ कि नहीं आप चिकन पराठा? चिकन पराठा सेम यही कॉन्सेप्ट है, धनिया का चटनी रहता है अलग से। और इसमें मसाला कैसे इसका रेडी करते हैं, क्या क्या रहता है इसमें? बहुत सारा आइटम उसमें रहता है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, रूम से ही बना के लाते हैं जो। अच्छा अच्छा, मतलब मैरिनेशन सिर्फ। अच्छा, ये जो मसाला रेडी कर रहे हैं इसमें ये पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ गर्म कर। अच्छा, ये भी रेडी हो चुका है। कब आए हुए हैं यहाँ पर? सिर्फ एक ही स्टॉल नहीं है, हमारे आसपास भी बहुत सारा स्टॉल है। पीछे में भी संजय जी का लिट्टी चिकन है जो कि हम आपको दिखाए थे पिछला बार आए थे, तो यहाँ पे वीडियो बना करके दिखाए थे। और उधर में भी बहुत सारा आपको चाइनीज़ आइटम मिलेगा, लेकिन मेरे को पर्सनली चाइनीज़ से ज़्यादा ये सब देहाती जो रहता है चिकन वगैरह वो ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लच्छा पराठा रेडी हो गया है लगभग, चिकन भी लगभग रेडी है। टेस्ट करते हैं और आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। और लच्छा पराठा को आपको यहाँ पर काट के मिलेगा। कटिंग हो गया दोस्तों, और कटिंग होने के बाद आपको प्लेट में सर्व कर दिया। ये देखिए अपना लेग पीस है भाई ये, और इसको डिप किया जा रहा है। थाई भी रखे हैं क्या? जंघा रखे हैं? दिखाइएगा कौन सा? हाँ थाई दे दीजिए, थाई दे दीजिए, लेग पीस छोड़िए। और ये देखिए कोई भी पीस आपको चाहिए यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, और चूज़ करने के बाद बस भैया को बता दीजिए, वो आपको गर्म करेंगे और दे देंगे। तो भाई अपना देखिए यहाँ पे चिकन का लेग पीस, चिकन का जो थाई वाला पीस है वो आ गया है, और इसको गरम करके दे दिए हैं। यहाँ पे अपना हो गया लच्छा पराठा, साथ में आपको मिलेगा हरा चटनी, हरा चटनी के साथ साथ आपको ये मिलेगा प्याज। तो आइए अब टेस्ट करते हैं और आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। सबसे पहले तो ग्रेवी टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक स्वाद पहुँचाते हैं ग्रेवी का। थोड़ा काला ग्रेवी देख लीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया गया है। थोड़ा स्वीट एंड शोर फ्लेवर भी आ रहा है, अब खट्टा वाला फ्लेवर हमको लगता है कि टमाटर का आ रहा होगा शायद। लच्छा पराठा के साथ जो उसका स्वीट वाला जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो रहा है। और अगर आप लच्छा पराठा के साथ खा रहे हैं इसका ग्रेवी तो आपको बताते हैं, तो नज़दीक आओ, ये देखो ये लच्छा पराठा के साथ इसका ग्रेवी। ये बढ़िया था। और चिकन के साथ लेते हैं अपना लच्छा पराठा को। ग्रेवी अनलिमिटेड होता है? बस बस ये हो गया अपना। मैं आपको दिख रहा है यानी गरम मसाला का यूज़ किया गया है अच्छे से। खाना बोल ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हम आपको छोटा सा स्टॉल के बारे में बताने वाले थे। तो आइए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अपने फूड को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।